नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। अब नियम तोड़कर भागे तो निकल जाएगी हवा, रोड पर लगे इस नए जुगाड़ से जरा बचकर। दोस्तों, रोड पर अब एक ऐसा जुगाड़ लगा दिया गया है कि अब नियम तोड़कर भागने वाले जरा सावधान रहें, खासकर वो जिन्हें रॉन्ग साइड से शॉर्टकट लेकर निकलने का बड़ा शौक है। जी हाँ दोस्तों, अब इस तरह के स्पीड ब्रेकर लगा दिए गए हैं कि अगर रॉन्ग साइड से आप निकले तो आपके टायरों की हवा निकल जाएगी और हजारों के जो टायर हैं वो दो कौड़ी के हो जाएंगे। जी हाँ, मुंबई में एक इस तरह के स्पीड ब्रेकर लगाए गए हैं जिसमें इंजीनियर ने लगता है अलग ही दिमाग लगा लिया, अलग ही जुगाड़ लगा दिया कि अगर तो आप राइट साइड से आए, यानी कि नियम नहीं तोड़ा, फिर तो आप आसानी से निकल जाएंगे स्पीड ब्रेकर से। लेकिन अगर रॉन्ग साइड से आ गए और कतई भी चूक हो गई तो समझ लीजिए कि लेने के देने पड़े। जी हाँ, मुंबई के बीजी खैर मार्ग में मालाबार हिल पर इस तरह के स्पीड ब्रेकर लगा दिए गए हैं जिन्हें टायर किलर का नाम दिया गया है और इसके लगने से वहाँ के आसपास के रेजिडेंट्स यानी रहने वाले बड़े खुश हैं। उन्होंने प्रशासन के इस कदम का वेलकम किया है। दरअसल बताया जा रहा है बीएमसी की तरफ से कि बहुत बार इस तरह की शिकायत आ गई है कि रॉन्ग साइड से लोग निकल जाते हैं, हादसों का खतरा बना रहता है। हालांकि बहुत से लोगों ने इसका साथ दिया है, समर्थन किया है, वहीं कुछ विशेषज्ञों ने इसकी निंदा भी कर डाली है। उनका कहना है कि ये जानलेवा भी साबित हो सकता है किसी हादसे की स्थिति में, और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि इनकी स्पाइक्स बड़ी ही तीखी और नुकीली हैं। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार मुंबई या गुजरात में लगाए जा रहे हैं, 2018 में नोएडा के कई जगहों पर ये लगाए गए थे। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि जो वो लगाए गए थे वो इससे थोड़ा अलग थे। बाद में कड़ी निंदा के बाद, अजमाने के बाद इसको वहां से हटा दिया गया, बल्कि वहां की ट्रैफिक पुलिस ने ही जोर लगाया कि इसे वहां से हटा दिया जाए। और अब ये मुंबई और गुजरात में लग रहे हैं और बताया जा रहा है कि मुंबई में और भी बहुत सी जगहों पर ये लगने वाले हैं। हालांकि इससे रॉन्ग साइड आने वालों पर लगाम तो लग सकती है, लेकिन हादसों का भी सबब बन सकते हैं, ये दोनों पहलू हैं। पर अब इस तरह के जुगाड़ जो प्रशासन लगा भी रही है, अक्सर हमने देखा है कि रोड पर बहुत सी चीजें लगाकर खबर बन जाती हैं। रोड पर नई स्ट्रीट लाइट लग गई, रोड का ये उद्घाटन हुआ और खबरें बन गई। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब वहां समस्या आती है तो कोई पूछने नहीं आता। रोड पर, हाईवेज पर हमने अक्सर देखा है ड्राइवरों को गड्ढे दिखाते हुए, लेकिन प्रशासन खबर नहीं लेता, टोल वसूल लेता है लेकिन सुनवाई नहीं होती। तो इस तरह के जुगाड़ को लगा तो दिया गया है, खबर तो बन रही है, समर्थन तो हो रहा है, इस पर चर्चा तो हो रही है, लेकिन अगर इसमें कोई खराबी आ गई तब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन वाकई में सेफ्टी को लेकर कितना सतर्क और सचेत है। खैर, ये बात तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। इस वीडियो को देखकर आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। Facebook और Twitter पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। ट्रांसपोर्ट टीवी की पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90831 90831 पर।